ओके गुड मॉर्निंग मास गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर. ओके एम आई ऑडिबल ना? प्रॉपर सुनाई दे रही ना आवाज? हाँ सर. ओके तो लास्ट टाइम मैंने ये प्रॉब्लम रखा हुआ था और समय समाप्ति की घोषणा हो गई थी राइट. तो यहाँ पे मैं 100 न्यूटन और यहाँ पे 50 न्यूटन मैंने ऐड किया था. ये डायग्राम ये फिगर ड्रॉ किया है आप लोगों ने? ये फिगर ड्रॉ किया है? यस नो? अरे फिगर ड्रॉ किया कि नहीं? चलो कोई बात नहीं, फिगर ड्रॉ नहीं किया तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं. अब देखो यहाँ पे मैंने कैसे सॉल्व किया है. सिग्मा एफ एक्स इक्वल जीरो है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस है ही नहीं इस पे, तो यहाँ पे कंडीशन इज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड. सिग्मा एफ वाई इक्वल जीरो प्लस आर वन माइनस 40. ये माइनस क्यों लिखा और ये प्लस क्यों लिखा? एनीवन? ये माइनस क्यों लिखा और ये प्लस क्यों लिखा? जी तो फोर्स इज इन सो अपर डायरेक्शन, दैट इज राइट. आर वन माइनस 40 माइनस 60 माइनस 100 प्लस आर टू, फिर ये दोनों भी मैंने ऐड कर रहा क्योंकि इस बार पहले नहीं थे. तो माइनस 100 माइनस 50 इक्वल इज जीरो, तो आर वन का सर्टी 350. इक्वेशन नंबर वन. देन वी टेक मोमेंट ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट पॉइंट ए इक्वल टू जीरो. तो आर वन इंटू जीरो क्यों लिखा मैंने? एनी वन? भार्गेश आर वन इंटू जीरो क्यों लिखा? So because it's as origin. Because it is passing through point A only. वो point A से pass हो रहा है तो moment produce नहीं करेगा ना. Force तो है लेकिन distance नहीं है. ये minus क्यों लिखा? Minus 40 into 2. ये minus क्यों लिखा? So force is applied downward. Very bad answer. So bad it's answer. Clockwise. Clockwise. Minus 40 into 2. Minus 60 into 5. Minus 100 into 8. प्लस आर टू इंटू टेन. देखिए दो भी मोमेंट देंगे अबाउट दिस. इसका डिस्टेंस 1 मीटर है तो 100 इंटू 1 प्लस लिखो या माइनस लिखो ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने माइनस माइनस बिकॉज इट इज अप्लाइंग फोर्स डाउनवर्ड एंड सो इट्स अ क्लॉकवाइज. अरे डाउनवर्ड नहीं यार, क्लॉक को एंटी क्लॉक होता है. डाउनवर्ड मत देख. क्लॉक या एंटी क्लॉक? ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है? सर क्लॉकवाइज. क्लॉकवाइज. ओके मुझे एक बार बताओ, सपोज ये पॉइंट है, ये फोर्स है, ये डिस्टेंस ए है, ये एफ वन है, ये एफ टू है और ये डिस्टेंस बी है. तो टेल मी एफ वन इंटू ए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? एफ वन इंटू ए अबाउट दिस पॉइंट लेट्स से ओ. व्हाट अबाउट एफ वन इंटू ए? क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? क्लॉकवाइज. एफ वन इंटू ए क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? जीतू क्लॉकवाइज. Clockwise, so it is minus. And what about F2 into B? F2 into B clock hai ki anti-clock hai? So anti-clock. Anti-clock is positive, so it is plus. Ab yahan pe dekh ke batao mere ko, 100 into 1 clock hai ki anti-clock hai? So anti-clock. Anti-clock hai, so it will be plus. And what about 50 into 11? That is also anti-clock, do you agree? Clockwise, so it is minus equal to zero. Moments about any point should be equal to zero. So, kya hoga? 10 R2 equal to 80 plus 300 plus 800 plus inka kya aega? Minus 100 plus 550. Jara dekho, kyunki isko wahan le gaya main. So, plus 100. प्लस 100 यहाँ पे प्लस 100 लेकिन यहाँ से वहां ले जाऊंगा तो इट विल बिकम माइनस ना. जैसे माइनस 80 था लेकिन मैंने इधर प्लस 80 लिखा. नहीं समझ में आया? सर सर समझ में आया. हाँ तो ये कितना हो जाएगा टोटल ऐड करेंगे तो 800 9 10 1100 1180 माइनस 8 10 80 प्लस 550 ये कितना हो जाएगा? 0 8 13 1630. दो में से एक गया एक 187.
ये देखो ये आंसर है, इज दैट क्लियर? जरा चेक करो सब लोग, कुछ मिस्टेक तो नहीं कि मैंने, कैलकुलेशन खाली चेक कर लेना, मैंने ऐसे ही प्रॉब्लम बनाया था वही टाइम पे। R1 to 0 क्यों है विधि? विधि, why I have written R1 into 0? Sir, because the force is acting on that point, it there is no direction between it. There is no direction, there is no distance. Direction क्या होता है? Distance. There is no distance between the point and the force. Force. Where is Prisha? Prisha नहीं आई है. और कौन नहीं आया है? Om भी नहीं आया है. Prisha and Om. Yes, कॉपी कर लिया क्या? तो फिर मैं आगे बढ़ूं बच्चों, प्यारे बच्चों, ओके no, okay. और मिस्टेक तो नहीं ना, कुछ चेक कर लो। नो सर। कॉपी कर लिया तो मैं अगले प्रॉब्लम की ओर जाना चाहता हूँ। यस सर। हाँ कॉपी किया ना संदीप ने? ओके अबे ना, अब लास्ट टाइम मतलब मैंने एक प्रॉब्लम किया था वो कॉन्सेप्ट में क्लियर करता हूँ। देखो आई एम गोइंग टू क्लियर वन कॉन्सेप्ट विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से एक ऐसा रॉड था, यहाँ पे एक 200 न्यूटन था एट 2 मीटर। ओम मिस्त्री MESTRY और फिर यहाँ पे एक 100 न्यूटन था, याद है आपको? फिर हमने यहाँ पे एक सपोर्ट रखा था ऐसा, यहाँ पे 4 मीटर था। फिर में ये स्टेबल है कि अनस्टेबल है? देखो इसका मोमेंट कितना है, 200 × 400, इसका भी 100 × 400, तो इट विल रिमेन स्टेबल, इट विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम विदाउट एनी प्रॉब्लम। ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस? यस सर। ऑल ऑफ यू रिमेंबर दिस? ओके अबे ना मैं प्रॉब्लम बताता हूँ, सुनो प्रॉब्लम सुनो। मुझे पता नहीं है ये, मुझे खाली इतना बोला 6 मीटर के अपार्ट पे एक पे 100 न्यूटन एक पे 200 न्यूटन, वेयर सपोर्ट शुड बी अप्लाइड सो दैट सिस्टम रिमेंस इन इक्विलिब्रियम, एट व्हाट डिस्टेंस द सपोर्ट शुड बी अप्लाइड। मुझे पता नहीं है, 4 मीटर ये 6 मीटर दिया, खाली ये दिया है दोनों के बीच में डिस्टेंस है 6 मीटर, और मुझे बोला गया है कि एट व्हाट पर्टिकुलर पॉइंट वन सपोर्ट शुड बी प्लेस्ड। ऐसे कौन से डिस्टेंस पे सपोर्ट रखूं? डिस्टेंस एक्स पे, this point is A, at what distance this support should be placed so that
सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. हमको आंसर बताया ओरली. व्हाट इज द आंसर ऑफ एक्स? व्हाट इज द आंसर ऑफ एक्स एट विच दिस सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम? अभी अभी देखा ना, एक्स 4 मीटर था. नहीं अरे 4 मीटर था ना बेटा, 100 × 4 = 200 × 2, हमको पता नहीं है. सपोज ये तो यहाँ पे ओरली हमने देख के रखा है कि 4 मीटर होगा. सपोज एक्स के डिस्टेंस ढूंढने को बोले तो व्हाट इज द मेथड? लेट अस अंडरस्टैंड द मेथड. एक मिनट वापस समझ लो. एक रॉड है 6 मीटर लंबी, एक जगह पे 200 न्यूटन है और एक जगह पे 100 न्यूटन है, दो एंड से. और किधर फोर्स सपोर्ट लगाओ, किधर सपोर्ट लगाओ सो दैट सिस्टम रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. हमने बोला लाइक सपोर्ट भी एट डिस्टेंस एक्स. तो मेथड इज लाइक दिस, देयर आर 2-3 मेथड. सबसे पहले इन ऑल द मेथड सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0, दिस रिएक्शन गिवन बाय दिस सपोर्ट इज आर, फोर्स अप्लाई इज आर. ये 100 प्लस लिखो या माइनस लिखो? ये 100 प्लस लिखो या माइनस? सर प्लस. वेरी बैड आंसर, बिकॉज इट इज डाउनवर्ड विल राइट माइनस. ये रिएक्शन गिवन बाय द सपोर्ट आर को प्लस लिखो या माइनस? सर प्लस. प्लस क्यों? सो इट्स अप्लाइंग फोर्स अपवर्ड. दैट इज राइट. एंड व्हाट अबाउट ए? आई शुड राइट माइनस ए और प्लस ए? पॉइंट ए. प्लस पॉइंट ए या माइनस ए? प्लस ए और माइनस ए? बोले सर कुछ नहीं आएगा, वो तो पॉइंट है खाली. अरे आप लोग बोलो यार. एंड व्हाट अबाउट दिस 200? प्लस 200 और माइनस 200? सर माइनस. माइनस. एंड व्हाट अबाउट दिस प्लस 6 मीटर और माइनस 6 मीटर? It will not come. It will not come. And therefore, R का आंसर कितना है? 300. इतना पता चल गया कि ये reaction has to be, ये orally है यार, 200 और 300 नीचे पे है, it has to be 300. अब हमको x ढूंढना है, हमको तो x ढूंढना है. तो I take one thing, sum of the moments about B equal to 0. Moments of all the forces over B equal to 0. So what will I get? 100 into x plus or minus? 100 into x is plus or minus? Moments I'm taking about point B. 100 into x is plus or minus? Anyone can give me best answer? Bolo na yaar. Dekho moment kab hota hai? Force into distance. फोर्स है 100, आई थिंक मोमेंट अबाउट बी, तो व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ 100 फ्रॉम बी? कोई बोलना नहीं चाहता. 100 = 0. एंड व्हाट अबाउट r into x प्लस और माइनस? एंटी क्लॉकवाइज इज प्लस, क्लॉकवाइज इज माइनस. r into x इज प्लस और माइनस? सर प्लस. प्लस व्हाई? सो क्लॉक सॉरी एंटी क्लॉकवाइज. That is right. And what about 200 into 4? So minus. Minus or plus? So minus. 200 into 4 barabar hai na? So 6 minus x. Bad answer. I think moment about B. कुछ भी रॉन्ग लिखूंगा जरा तुम लोग को चेक करने के लिए यार. आर के बदले मैं कितना लिखू? 300. तो कह रहे 300x इक्वल टू 2×12 एक्स के आंसर है 4 मीटर. क्या आंसर चेंज होगा?
What is the moment of 100 about x a? 100 का moment about a कितना है? 100 newton का moment about a कितना है? Moment is force into distance. So 100x. 100x plus or minus? So plus. Plus? No, sir. Sorry, minus. Minus. तो अभी बोलो प्लस, फिर बोलो माइनस, मैं जोर से चिल्लाऊंगा तो चेंज कर देने का. अरे क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? द मोमेंट अबाउट दिस पॉइंट ऑफ दिस फोर्स इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? इट इज गोइंग टू रोटेट एबी इन क्लॉकवाइज फैशन और एंटी क्लॉकवाइज फैशन? सर एंटी क्लॉकवाइज. एंटी क्लॉकवाइज. तो एंटी क्लॉकवाइज इज प्लस और माइनस? सर प्लस. प्लस. What about R into X? R into X plus or minus? Plus. Why? Because it is anti-clockwise. मैं moment क्या ले रहा हूँ? I am taking moment about which point? Sir, point A. Point A. What is the distance of R from A. point A? What is the distance of R? Zero. The distance from point A kitna hai? So zero. So fir R into kya aega? Zero. Zero fir? It will not produce any moment. Plus likho ya minus likho, it does not have any meaning because it is zero. What about dusra ka moment about A? What about dusra ka moment about A? Huh? दूसरे का मोमेंट अबाउट इट 200 इनटू कितना डिस्टेंस? सर 6 माइनस एक्स. 6 माइनस एक्स. भार्गेश तुम बोल नहीं रहे हो आज जरा भी. हुसैन अंजू जरा हुसैन को भी फोन लगा. हुसैन भी नहीं आया. अंजू हुसैन का भी ना वाला. हां 200 इनटू सर 6 माइनस एक्स. 6 माइनस एक्स. अरे लेकिन एक ही स्टूडेंट बोल रहा है 6 माइनस एक्स. व्हाई अदर्स आर स्लीपिंग और व्हाट? और क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? Clock. Sir, clock. Clock to plus or minus? Minus. Sir, minus. Well, अब देखते हैं अपन ये दो जीरो और इधर जो ये दो जीरो कैंसिल. तो x minus 12 plus x to plus 2x equal to zero. That is 3x equal to 12. X equal to 4 meter. देखो आंसर सेम आया ना. चाहे मोमेंट किधर भी लो आंसर will remain the same. No. Fourth लेता हूँ. I am doing the same problem. Sum of the moment about C equal to zero. अब मुझे तुम लोग help करो. सबका moment about C ले रहा हूँ zero. तो मुझे बताओ what is the 100 का moment about C? 100 का moment about C क्या होगा? हाँ? 100. Yeah, yeah, right. 100 into 4 into 6 minus x. 6 minus x. What is the distance of 100 from C? इसका 100 का डिस्टेंस पीछे कितना है? तो 6. तो 6 माइनस एक्स कहां से आया? अरे बाकी तो बोल ही रहे कोई भी कुछ भी. खाली अफीफ और जीतू और कभी कभी विधि बोलती है. विधि ये 6 राइट है कि रॉन्ग है? विधि सर राइट. और प्लस है कि माइनस है? डाउनवर्ड या अपवर्ड? So it is anti-clockwise. It will be plus. That's right. I like the answer. Downward, upward, मत बोलिए सर. Moment clock होता है या anti-clock होता है? आप क्यों confuse कर रहे हैं हमको? ऐसा बोलो. And what is the moment of 300 newtons from point C? इसका distance कितना है यहाँ से यहाँ तक? Sir, 6 minus x. That's right. बहुत अच्छा भार्गेश. और ये प्लस है क्या कि माइनस? क्लॉक है या एंटी क्लॉकवाइज? सर क्लॉकवाइज. सो इट विल बी माइनस. क्लॉकवाइज सो इट इज माइनस. और व्हाट अबाउट 200 का मोमेंट अबाउट सी? 200 इनटू 6 या 200 इनटू x और 6 माइनस x? सर इनटू 0. 200 इनटू 0. दैट्स राइट. अभी जंप इन बात. आई लव दैट आंसर. 200 इनटू 0 इक्वल टू 0. तो ये कितना आएगा देखना है आपको. दो जीरो, ये दो जीरो, ये दो जीरो. ये तो जीरो का मतलब नहीं है. 6 माइनस 3 18 plus 3x equal to 0. Therefore, 3x equal to 12, x equal to 4 meter.
मतलब चाहे कोई भी पॉइंट लो, पर्पस ऑफ शोइंग दिस प्रॉब्लम वाज व्हाटएवर यू डू. एक्चुअली ये कॉमन है, दिस इज फर्स्ट मेथड ऑफ ड्राइंग. फर्स्ट मेथड, सेकेंड मेथड एंड थर्ड मेथड, तीनों मेथड से मुझे आंसर यही आता है. यही मैं बताने के लिए गया कि दिस इज द बेस्ट मेथड अकॉर्डिंग टू मी. द बेस्ट मेथड इज टेकिंग मोमेंट्स अबाउट इट. तो क्या होता है, दिस रिपट करके आंसर x = 4 मीटर आ जाते हैं. समझ में आया सभी को कि एक बार और रिपीट करूं बच्चों? सर समझ प्यारे बच्चों, हाँ सर समझ में आया. समझ में आया तो कॉपी करो, जल्दी जल्दी कॉपी करो. इसके बाद कॉन्सेप्ट के ऊपर कुछ प्रॉब्लम करते हैं हम लोग, और ये लास्ट पार्ट है. इसके बाद में विल स्विच ओवर टू द चैप्टर, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है. इसमें बहुत सारे सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, देन कपल मोमेंट, बहुत सारे तुम लोगों ने देखा होगा. हाँ कॉपी कर लिया तो मैं अगले प्रॉब्लम की ओर जाऊं. कह रहे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, यस सर, मिटा दूं क्या? अच्छा अभी अगला प्रॉब्लम लो. आई वांट टू सी हु इज द बेस्ट इन द क्लास. सिमिलर कॉन्सेप्ट, एग्जैक्टली सिमिलर, आपके बुक का ही है. जो अपनी नोट्स है ना उसके अंदर से है प्रॉब्लम. इसमें मेरे इसमें क्वेश्चन 110 लिखा है. देखो ये डायग्राम है, ए एक्स मीटर, टू मीटर, फाइव मीटर, ये सब है. ऐसा लिखो, टू वेट्स 5 kg. कैन यू सी दैट प्रॉब्लम प्लीज? टू वेट्स 5 kg एंड 8 kg है कहीं पे? सर पेज नंबर, पेज नंबर बोलो क्या सर? पेज नंबर पूछ रहा था. नहीं नहीं मेरे पेज नंबर मैच नहीं हो रहे, इसके लिए मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ. तो 140 पेज 140 और क्वेश्चन नंबर 110. चलो तो ये कॉपी करो, डायग्राम कॉपी करो, वहां का डायग्राम जगह छोड़ दो. ये 2 meter, ये 7 meter और ये 5 meter. इधर 5 kg, ये 3 kg और ये 8 kg. Suppose this point is here. इधर देखो सब लोग प्रॉब्लम समझो, प्रॉब्लम क्या है वो समझ लो, देन वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. सब लोग लिखना बंद कर दो, प्रॉब्लम समझ लो. एक रॉड है 10 मीटर लंबी, उसका खुद का वेट 3 kg है. खुद का वेट ऑलवेज एक्स वेयर एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एक रॉड है समझो, ये इसका वेट कहाँ करेगा मुझे बताओ? यहाँ पे एंड में करेगा कि इस एंड में कि सेंटर में?
सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो मैंने 5 मीटर ही दिया, नहीं 5 मीटर पे 3 किलो रख दिया, उसका खुद का वेट, किसका वेट, रॉड का, रॉड का। और लोग बोलते हैं 2 मीटर पे 5 किलो और 7 मीटर पे 8 किलो। इस तरह से मुझे बताओ सब रॉड नीचे ही रखेंगे तो रॉड क्या इक्विलिब्रियम में रहेगी या गिर पड़ेगी नीचे? अगर रॉड के ऊपर वेट लगा दो नीचे तो रॉड नीचे जाएगी, गिरने लगेगी या ऊपर जाएगी या ऊंची पोजीशन पे बनी रहेगी, क्या होगा? नीचे गिरेगी। हाँ क्या? नीचे गिरेगी। नीचे गिरेगी, वेरी गुड। तो उसको है ना क्वेश्चन पूछा है कि भाई हमको एक सपोर्ट लगाना है, तो भाई सपोर्ट कहाँ लगाए हम लोग कि रॉड नीचे गिरने से बच जाए? वैसा ही प्रॉब्लम है, अभी लास्ट का हम किया था ना, इधर 100 था इधर 200 था, तो किधर लगाओ? तो 4 मीटर पे आंसर आया था। यहाँ पे इतने सारे लोड है तो किधर लगाए कि रॉड रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम? इज द प्रॉब्लम क्लियर? किधर सपोर्ट लगाए एक पॉइंट पे कि वो इक्विलिब्रियम में हो जाए? इज द प्रॉब्लम क्लियर और नॉट? यस सर। ओके, मुझे प्रॉब्लम बताएगा कौन मालूम है? मार्ज, मुझे प्रॉब्लम बता। मार्ज, मार्ज, देयर इज अ टू वेट ऑफ 5 kg एंड 8 kg which is suspended from a uniform rod of length 10 meter and weight 3 kg. Weight 3 kg? Achha, iska weight 3 kg. The distance of the weight from one end are 2 meter and 7 meter. We have to find point at which the rod balances. Humne kya kiya? Let the balancing point is at the distance x. Let r be the reaction given by this. Anybody can tell me r ka value in kg? ओरली आंसर बता सकते हैं? आर का अपर कितना होना चाहिए, कितना रिएक्शन देना चाहिए उसको, कितना रिएक्शन देना चाहिए? ओरल आंसर, ओरल, ओरल। टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है रॉड के ऊपर? टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है? टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितना है रॉड के ऊपर? 16 kg। 16 kg, so R has to be how much? So 16 kg. 16 kg upward. This can be achieved by the formula sigma Fy equal to 0 to minus 5 plus R minus 3 minus 8 equal to 0. And for R equal to 16 kilo. Yeah, aa gaya pehla answer. Ab mere ko batao, there are so many ways of getting answer of x. I take moments about A equal to 0. I take moments about C, D, E, B, कहीं भी लो moment. I take moment about A equal to 0. Suppose, sum of the moments of all the forces on point A equal to 0. I take force into distance from A, force into distance from A. तो मुझे बताओ, what is the distance of 5 from A? Distance of 5 from A कितना ये डिस्टेंस 2 मीटर, ये 5 मीटर, ये यहाँ से यहाँ तक 7 मीटर और यहाँ से यहाँ तक 10 मीटर, तो इसका डिस्टेंस फ्रॉम ए कितना है सर? 2 मीटर। 2 मीटर। क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज मोमेंट, मोमेंट इज क्लॉक और एंटी क्लॉक? मोमेंट इज क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज? हाँ क्लॉक वाइज। क्लॉक वाइज, क्लॉक वाइज इज पॉजिटिव और नेगेटिव? सर नेगेटिव। What about moment of R into X? R into X clock or anti-clock? Keep its distance x meter from here. So anti-clockwise. How anti-clockwise? Afif? Afif? Bhargesh, how anti-clockwise? Sir, anti-clockwise only. That's right. What about 5 into 3 into 3 into 5 minus x? Is this right? So it will be 7 meter. Huh? So it will be 7 meter. 7 meter. What about others? So 5 meters. Kya? Khali 5 meter likhu ki 3 into 5 likhu? Kya likhu? So 3 into 5. 3 to 5 is right, beta. Jitu. Jitu. Kali dhyan rakh. Ye distance 2 meter. Ye distance 5 meter. Ye distance 7 meter.
और ये डिस्टेंस टाइम, ये लोग ने ऐसा लिखा नीचे एक लिख दिया कोऑर्डिनेट्स, तो ये अपने को पता चल जाएगी यहाँ से यहाँ तक दो, यहाँ से यहाँ तक पांच, यहाँ से यहाँ तक सात, यहाँ से यहाँ तक दस, तो थ्री इंटू फाइव क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज इज माइनस. एंड व्हाट अबाउट एट इंटू थ्री माइनस एक्स, क्योंकि ये डिस्टेंस थ्री है. 8 into 3 minus x is right or wrong? 8 into 7. Now you are getting the answer. Or clock or anti-clockwise? The clockwise. Bas yaad jayega. R kitna hai 16. 5 duni 10 plus 16x minus 15 minus 856 equal to 0. So 16x. Equal to 56 plus 25. 6 और 5, 11, 5, 2, 7 और 1, 8. So x equal to 81 by 16. 16, 5, 80. 5 points, kuchu kuchu. क्या दिया आंसर? 5.1 मीटर. मेरे को तो 1.1 गलत ही लगता है, ठीक है. जो बुक ने दिया वो लिख देते हैं. मतलब 5.1 मीटर पे मुझे ये डालना है. मतलब इसके आगे, सुनो. Actually, in reality, सपोर्ट यहाँ पे आएगा 5 मीटर के थोड़ा सा आगे. ये रियल सपोर्ट, रियल लोकेशन, दिस इज 5.1 मीटर. अब इधर रखेंगे ना तब जाके डॉट बैलेंस हो जाएगी, इधर भी और जगह रखेंगे तो लुढ़क जाएगी. ड्यू 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 ड्यू. आई होप दैट्स क्लियर टू एवरीवन. यस सर. अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर मैं मोमेंट्स अबाउट ए बी सी डी ई इस पॉइंट को अगर मैं एस ले लूं तो क्या आंसर मेरा आएगा कि नहीं आएगा? सम ऑफ द मोमेंट्स ए के बदले सम ऑफ द मोमेंट्स अबाउट एफ इक्वल टू जीरो लो, तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? आंसर आएगा कि नहीं आएगा सर? आएगा. आएगा तो मैं इसको होमवर्क करोगे या अभी करोगे? बोलो, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसमें क्या होगा? अलग अलग डायरेक्शन में सोचने का बिंदास. क्या ए पे लेना जरूरी है? कोई दूसरा पॉइंट होता तो मुझे आंसर मिलता कि नहीं मिलता? ऐसे सोच के अपने आप को ट्रबल देने का, तब जाके यू बिकम अ वेरी गुड स्टूडेंट. क्या अगर मैं पॉइंट एफ पे मोमेंट लू सभी फोर्सेस का तो स्टिल बी लाइक एक द आंसर और दो? ये लाल अभी नहीं है, स्टिल आई गेट आंसर और दट. ऐसा आप सोच सकते हो कोई? आप होमवर्क लेना चाहेंगे या अभी करना चाहेंगे? बोलो. टेक मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस अबाउट एफ इक्वल टू जीरो. आवर एम इज टू गेट एक्स. एक्स डिस्टेंस चाहिए मुझे, एक्स. और हमेशा ध्यान रखो ये 2 मीटर है, ये एक्स मीटर है, ये 5 मीटर है, ये 7 मीटर है. I want to take moments of all forces about point F equal to zero. चलो करो, जल्दी कर लेते. चलो तो आंसर 81 by 16 आता है कि नहीं, वो हम लोग देखेंगे. Some of the moments about F equal to zero. Second method. You like this technique or बोलने का सर ज्यादा मगजमारी मत करो, चुपचाप पढ़ो एकदम सिंपल मेथड से और बढ़ो, हम लोग को ट्रबल मत दो सर. You want to try alternative or you just want to stick to simple teaching method? बोलो ना. सो अल्टरनेटिव. हाँ, करने का अपने को क्या आएगा? नहीं आएगा तो अपना कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बेटा. चलो सम ऑफ द मोमेंट्स अबाउट एफ इक्वल टू जीरो करो. सब फोर्सेस का डिस्टेंस नाउ एफ से ढूंढना है. फोर्स इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एफ, जैसे 5 किलो, 5 इंटू ये डिस्टेंस कितना है? यहां से यहां तक का डिस्टेंस, यहां से इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना? आर की वैल्यू बराबर है, आर की वैल्यू 16 जो हमने निकाली थी वो राइट है, क्योंकि वो तो सिग्मा एफ आई इंटू जीरो से करना है. 5 इंटू ये डिस्टेंस कितना है? ये डिस्टेंस कितना है? ये यहां से यहां तक एक्स मीटर, यहां से यहां तक 2 मीटर, यहां से यहां तक 5 मीटर, 7 मीटर, 10 मीटर, तो ये डिस्टेंस कितना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ 5 kg फ्रॉम पॉइंट एफ x minus 2. हाँ, x minus 5.
एक्स माइनस फाइव है ना विधि? नो सर टू। भार्गेश, भार्गेश तुमने बोलना बंद कर दिया वापस से। भार्गेश यस सर। क्या बोलो डिस्टेंस कितना है पांच का फ्रॉम पॉइंट एफ? अरे यार क्या कर दो, यहां तक का डिस्टेंस एक्स, यहां से यहां तक का डिस्टेंस टू, तो ये डिस्टेंस कितना होगा? एक्स माइनस टू। एक्स माइनस टू है टू माइनस एक्स? x माइनस टू। तो फिर बोलो ना यार प्लीज। और ये क्या है कि एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है? सर एंटी क्लॉक। ओके ओके सर क्लॉकवाइज। ओके एंटी क्लॉकवाइज। ओके व्हाट अबाउट मोमेंट ऑफ थ्री फ्रॉम हियर? दिस इज थ्री इनटू कितना? सबको नए बच्चे मार्क्स तू बोलना, कोई नहीं बोलेगा मार्क्स के सिवा। मार्क्स डिस्टेंस बोल फ्रॉम दिस टू एफ, ई और एफ के बीच में डिस्टेंस कितना है पॉइंट ई एफ? मार्क्स सर सेवन माइनस एक्स। दैट्स राइट, बहुत अच्छा। तो तुम बोलो मार्क्स, तुम चुप रहते हो, आई डोंट लाइक दैट। और ये क्लॉक है कि एंटी क्लॉक है? प्रिशा, प्रिशा ये मोमेंट क्लॉक है कि एंटी क्लॉक गाइस? प्रिशा अभी बोलना चालू किया था तुमने, प्लीज स्पीक आउट। और नहीं मालूम तो ना बोलोगे। क्लॉकवाइज। That's right, lovely, lovely, Krisha, you're too good. And equal to zero, okay, baki sabka ho gaya. Aur what about moment of R? Moment of R kitna hoga? 16 kilo ka moment about F? Zero. That's right. I love this class now. Okay, ab ka baki dekho, x ka answer wahi aata hai ki nahi? 81 by 16, dekhna humko. 2, 5, x minus 10, minus 15, plus 3x. माइनस आठ सातू छप्पन प्लस आठ एक्स इक्वल टू जीरो। आठ और पांच तेरा, तेरह और तीन सोलह, सोलह एक्स इक्वल टू 56 प्लस 15 प्लस 10, ये हमने 81 निकल आएगा। तो एक्स का आंसर 81 बाय सोले 5.1 मीटर एंड देयरफॉर वी आर राइट। नॉट टू वरी, यू कैन टेक एनी पॉइंट। Why unnecessary bother with one particular point? कहीं से भी लो, बिंदास will get the same answer. इससे मजा आता है, you know, when you start thinking, apply your mind, do something what others are not doing, just to check whether such things are possible or not. You develop your brain. आपको हमेशा कोशिश कर रहेगा, और मैं तो हूँ साथ में। कभी-कभी मेरे को बोल सकते हो, सर मैंने ऐसे किया था तो आंसर क्यों नहीं आ रहा था सर? मैंने क्या गलती की? और ये पॉसिबल नहीं है क्या? जो आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करता है ना, वो टॉप पे पहुंचता है। बस ऐसा नॉर्मल सब गधों की तरह अपन काम करते रहेंगे, बस इतना करने का, ज्यादा सोचने का नहीं रहे, बोलने जाने दे, वैसे देन यू विल नॉट बिकम अ गुड स्टूडेंट। जो टॉपर्स होते हैं ना, टॉपर्स वो हमेशा सोचते हैं, वो एग्जाम में थिंक करते हैं कि कुछ आता है तो अपना माइंड लगाते हैं वहां पे कि अरे ऐसे भी कर सकते हैं, क्योंकि सेम प्रॉब्लम तो आता नहीं है कभी भी, ये ध्यान रखना। इज दिस क्लियर मेरे बच्चों? यस सर। अब मैं होमवर्क दे रहा हूं, बी ई और डी सब पे लेना और आंसर आता है कि नहीं। ये होमवर्क सब बी लेना, फिर ई लेना, फिर डी लेना और सब लोग को देखना आंसर आता है कि नहीं। आपको रियल आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करने को मिलेगी। चलो इसे मिटा दो और अगला प्रॉब्लम, इसके बाद क्या नेक्स्ट प्रॉब्लम, यू नो मीटर स्टिक इज बैलेंस 111 या 110 था ना, उसके बाद 111 पे देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम। विधि, इसके बाद का नेक्स्ट प्रॉब्लम का स्टार्ट पर खाली क्या है स्टार्ट? विधि, अ मीटर स्टिक इज बैलेंस्ड ऑन अ नॉट, यही वाला प्रॉब्लम। यस यस।